अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौराम। स्टॉक मार्केट में 80% लोग लॉस करते हैं, पर इसी स्टॉक मार्केट में 20% लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। कंपनी सबके लिए सेम होता है और सभी कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग, ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं और कुछ लोग ही प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग करते हुए जो मिस्टेक्स करते हैं उनसे सीखते नहीं हैं, और जो सीखते हैं वो प्रॉफिट भी बनाते हैं और इस कारोबार को अच्छे से करना भी जानते हैं। तो आज मैं आपको उन 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो इन्वेस्टर्स करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं, इन गलतियों को। आप भी देखिए कि अगर आप ये गलतियां करते हैं और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली मिस्टेक है इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमारे लक पे डिपेंड करता है, और इसलिए वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग एक क्राफ्ट की तरह होती है और ये टाइम, नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका स्किल डिवेलप होता है। और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हो, जिससे जब वो कंपनी जब ग्रो करती है तो आपका कैश भी ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। तो पहली गलती ये थी कि इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझना। दूसरी गलती है पैसे कमाने में जल्दी करना। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो इजी या क्विक मनी की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। हालांकि हमारा प्रॉफिट हमको तभी होगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, तो इसलिए हमें रिसर्च का ज़रूरत पड़ता है, कंप्लीट होमवर्क और एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। और अगर हम पैसे कमाने की जल्दी करते हुए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेंगे तो हमारा लॉस पक्का है। तो हमें ये दूसरी गलती पे भी ध्यान देना है कि हमें कभी पैसे कमाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और इस प्रोसीजर को समझ के सीख के करना चाहिए इन्वेस्टिंग। तीसरी मिस्टेक भी यही है कि बिना नॉलेज और बिना रिसर्च के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे यहाँ अगर कोई न्यूज़ चलती है तो वो सबका फेवरेट स्टॉक बन जाता है, बगैर उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, उसके फाइनेंशियल्स या उस कंपनी के बारे में नॉलेज ना रखते हुए भी बहुत से लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत काम है। और इस तरह करने से हमारा लॉस बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हो, उसके प्रोडक्ट्स आपको पता हो, उसका ब्रांड इमेज आपको पता हो और उसका कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आपने देखा हो। 4th पॉइंट है पेशेंस ना रखना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो बेसब्र आदमी से पैसा लेके उसको देता है जिसमें सब्र होता है। तो अगर हमें पेशेंस नहीं होगा तो हम ये कारोबार कभी नहीं कर सकते हैं, और पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे लोगों का लॉस करने का। तो आपको इस फैक्टर पे भी नज़र रखना है और पेशेंस के साथ ये कारोबार सीखना, समझना और करना है। 5th जो पॉइंट है, 5th जो सबसे बड़ी गलती है वो है मार्केट को एनालाइज किए बगैर इन्वेस्टमेंट करना। मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में किस तरह का सेंटिमेंट है, किस तरह की न्यूज़ है, और मार्केट का मैकेनिज्म को समझे बगैर बस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। तो हमें पहले मार्केट को एनालाइज करना होता है और उसके बाद हमें कंपनीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होता है। तो ये सब सीखने में हमें टाइम लगता है, और अगर आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट को तो आहिस्ते आहिस्ते आप इन चीज़ों को भी सीख जाते हो। तो ये थी 5 सबसे बड़ी गलतियाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।